नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जॉब वर्क प्रोसेसिंग टैली में किस तरह से किया जाता है और उसके लिए जीएसटी के साथ हम अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली में किस तरह से पोस्ट करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक प्रिंसिपल कंपनी हैं और किसी और कंपनी को जॉब वर्क प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद यदि जॉब वर्कर हैं और आप किसी और कंपनी से जॉब वर्क लेते हैं तो उनकी एंट्रीज को हम टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे, किस तरह से उनकी प्रोसेसिंग होगी, यह सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसे भी आप हिट कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जॉब वर्क इन प्रोसेस को टैली में जीएसटी के साथ हम किस तरह से सेट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज का वीडियो जॉब वर्कर्स के लिए स्पेशल है। जॉब वर्कर अपनी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारा जो जॉब वर्कर है वो एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है, उसके लिए मैंने नई कंपनी क्रिएट कर ली है, F11 में GST को इनेबल कर लिया है, GST डिटेल भी फिल कर ली है, हमारी कंपनी राजस्थान में है उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल मैंने यहाँ पर फिल कर ली है। अब हमको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे हमारा जो पहला लेजर होगा वो उस कंपनी का होगा जो हमें वर्क या जॉब वर्क प्रोवाइड करती है, जिसे हम प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं। यहाँ मैंने XYZ लिमिटेड एक सैंडिडेटर के अंदर कंपनी क्रिएट कर ली है, इसे भी राजस्थान की कंपनी बनाया है, लोकल कंपनी बनाया है, इसकी GST डिटेल भी मैंने यहाँ पर फिल कर ली है, रेगुलर इसको लेते हुए सेव कर लिया है। इस तरह से जो लेजर्स हैं टैक्सेस से रिलेटेड वो भी मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। हम जो उसे बिल चार्ज करेंगे जॉब वर्क का, उसके लिए जॉब वर्क चार्जेस इनडायरेक्ट इनकम या आप डायरेक्ट इनकम में भी इसे बना सकते हैं, इसके ऊपर GST एप्लीकेबल रखा है और GST डिटेल को लेते हुए सेल्स टैक्सेबल इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पर मैंने 12% रेट सेट किया है, आप जो भी रेट एप्लीकेबल हो वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सर्विस लेते हुए इसे सेव कर लिया है। ये कुछ बेसिक लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब आपको प्रेस करना है F11 और जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में कुछ ऑप्शंस हमको एक्टिवेट करने हैं। फर्स्ट, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में से मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। देन नीचे ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी यस कर लीजिएगा। साइड में आपको यूज़ मेटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स दिखाई देंगे, जब हम जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को यस करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, इसे भी आप यस कर लीजिएगा। आप चाहें तो कॉस्ट ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उसे भी यस कर सकते हैं, अभी मैं इसको नो रख रहा हूँ डेमो पर्पज़ के वजह से। आपको केवल मुझे बताना है किस तरह से एंट्री होती है, इसलिए इसको नो रख रहा हूँ, बाकी आप इसे भी यस कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को सेव करने के बाद हमको फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। अब जॉब वर्क इन प्रोसेस को हम एक बार पूरा समझ लेते हैं कि इसमें काम कैसे होगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आपको जॉब वर्क के लिए एक ऑर्डर देगा, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल को रिसीव करेंगे, फिर फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। देन फिनिश्ड गुड्स तैयार होने के बाद मैन्युफैक्चरर को उस फिनिश्ड गुड्स को हम डिलीवर करेंगे और हमने जो जॉब वर्क किया है उसकी हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें मटेरियल इन और मटेरियल आउट वाउचर्स का यूज़ करना होता है। उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, देन अल्टर। यहाँ पर आपको दो वाउचर दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल इन, मटेरियल आउट। आप सबसे पहले मटेरियल इन वाउचर में चले जाइए। इन वाउचर में आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। लास्ट में आपको यूज़ फॉर जॉब वर्क ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आप यस कर लीजिए। नीचे यूज़ फॉर जॉब वर्क इन, इसे भी आपको यस कर देना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक इस तरह से मटेरियल आउट जो वाउचर है उसमें भी आपको यूज़ फॉर जॉब वर्क इस ऑप्शन को यस करना है। देन यूज़ फॉर जॉब वर्क इन इस ऑप्शन को भी हमें यस करके इसे सेव कर लेना है। यहाँ मैं आपको कंप्यूटर असेंबल करने का जो जॉब वर्क हमको मिला है उसको हम टैली में किस तरह से सेट करेंगे उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं,
आप वो देख लीजिए, फिनिश गुड्स एक मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया है और इसी तरह से एक रॉ मटेरियल का स्टॉक ग्रुप मैंने बना लिया है। इसी तरह से कुछ स्टॉक आइटम्स भी मैंने क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर स्टॉक आइटम जैसे कैबिनेट, उसको रॉ मटेरियल में रखा है, और CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, स्क्रू, ये सारे मैंने रॉ मटेरियल बना लिए हैं। जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनने वाला है असेंबल PC, उसको बनाते समय मैंने इसे अंडर फिनिश गुड्स रखा है, यूनिट्स नंबर्स रखी हैं और एक ऑप्शन एक्टिवेट किया है BOM। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और नीचे इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। देन जैसे आप इसे यस करेंगे, टेली आपसे नेम ऑफ BOM पूछेगा। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए और उसमें जो कंपोनेंट लगने वाले हैं उन सारे कंपोनेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उससे पहले अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारा जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैं उस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को सेट करेंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गोडाउन भी बनाए हैं दोस्तों। जब मैन्युफैक्चरर से हमें गुड्स रिसीव होगा तो वो हम जो वर्क लोकेशन इन वाले गोडाउन में रखने वाले हैं, इसलिए मैंने एक गोडाउन पहले से क्रिएट कर रखा है, उसमें मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। और इस पूरे प्रोसेस में हमको स्क्रू जो है वो स्क्रैप की फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, और एक यूनिट कंप्यूटर को बनाने के लिए यानी एक कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होने वाली है वो भी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करने के बाद आपको इस सारे ऑप्शंस को सेव करना है, और सेव करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर से आने वाले गुड्स को स्टोर करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे स्टॉक आइटम के नीचे गोडाउन लिखा हुआ है, आप गोडाउन में जाकर अपना गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। जो वर्क लोकेशन इन, मैंने यहाँ पर गोडाउन क्रिएट कर लिया है, और नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से हमको यूज़ करना है थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस। हमारे पास किसी और पार्टी का स्टॉक हम स्टोर करेंगे इस लोकेशन पर, इसलिए आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद अब सबसे पहले मैन्युफैक्चरर हमको वर्क ऑर्डर देगा कि आपको ये जॉब कंप्लीट करना है। उसके लिए हमको जाना है ऑर्डर वाउचर्स में, ऑर्डर वाउचर्स में जाकर आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ W, अल्ट W से जॉब वर्क इन ऑर्डर, ये वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। पार्टी के नेम में आपको अपना मैन्युफैक्चर का लेजर जो हमने बनाया था उसे सेलेक्ट करना है। देन आपको सारा ड्यूरेशन यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग कि आप क्या करने वाले हैं वो सब यहाँ पर डिफाइन करना है कि किस तरह से क्या काम होगा, वो सब आपको यहाँ पर लिख देना है। देन ऑर्डर नंबर आप डाल दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर जॉब PC1 टाइप कर रहा हूँ। इस तरह से नेम ऑफ आइटम, आप फिनिश गुड्स के फॉर्म में क्या तैयार करने वाले हैं वो आपको नेम ऑफ आइटम में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ट्रेक कंपोनेंट को यस कर दीजिएगा। नीचे ड्यू डेट मैंने यहाँ पर 30 डेज कर दिया है। देन गोडाउन, यहाँ पर हमको गोडाउन सेलेक्ट करना है कि ये गुड्स हमको कहाँ रिसीव करने हैं, जो वर्क लोकेशन इन में रिसीव करने हैं। देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमको ये प्रोडक्ट तैयार करना है, तो मैंने यहाँ 15 नॉर्म्स ले लिया है। अभी आपको नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे एंटर कर दीजिएगा। देन जैसे आप एंटर करेंगे अपने आप आपको जो हमने BOM बनाया था उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा डिटेल कि इस 50 नॉर्म्स के गुड्स को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और आप उसकी रेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से कंपोनेंट पर कितना रेट स्पेसिफाई किया है मैन्युफैक्चरर ने, उसको भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैबिनेट के लिए 1000 डाल दिया है, CPU के लिए मैंने यहाँ पर 3000 डाल दिया है, इसी तरह से हार्ड डिस्क उस पर भी मैंने 3000 डाल दिया है, मदरबोर्ड यहाँ पर मैंने 2000 डाल दिया है, रैम यहाँ पर 1000 डाल दिया है। देखिए स्क्रू में आ रहा है पेंडिंग टू इश्यू, क्योंकि हम वापस उसको लौटाने हैं मैन्युफैक्चरर को, इसलिए पेंडिंग टू इश्यू आ रहा है। यहाँ पर स्क्रू का मैंने 0.01 डाल दिया है, और एंटर करके इस पूरी लिस्ट को हमने सेव कर लिया है। रेट इसकी स्पेसिफाई कर दी है मैंने 10,000 रुपीज़, और 5 लाख का ये जॉब ऑर्डर हमको मिल रहा है। एंटर कर दीजिएगा इस पूरी डिटेल के साथ। अब मैन्युफैक्चरर से हमें जॉब वर्क इन ऑर्डर यानी जॉब वर्क को करने के लिए हमें ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर मिलने के बाद हमको रॉ मटेरियल रिसीव करना है, उसके लिए आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर्स में, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ W प्रेस कीजिएगा, मटेरियल इन, मटेरियल इन के अंदर फिर से पार्टी XYZ लिमिटेड। देन लिस्ट ऑफ ऑर्डर में आपको जो वर्क ऑर्डर मिला था
उसका रेफरेंस यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन एंटर कर दीजिए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये सारी डिटेल आ चुकी है, यहाँ सोर्स गोडाउन आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है, देन इसे एंटर करके सेव करना है, रेफरेंस लेते हुए आप इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद हमारे पास मटेरियल आ चुका है, अब हम उसे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिंपल जो वाउचर होता है वो होता है अल्ट के साथ F7 स्टॉक जनरल। लेकिन दोस्तों मैंने एक नया वाउचर क्रिएट किया है, आप देखेंगे इसे मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इसे क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, देन क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाकर यहाँ, चूंकि मैं पहले बना चुका हूँ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसलिए फिर से बनेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर नाम चेंज कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ऐसे इस तरह से टाइप कर रहा हूँ इस तरह से। और टाइप ऑफ वाउचर में आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक जनरल। नीचे आप जैसे स्टॉक जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन हाईलाइट होगा यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, आप इसे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको इसको सेव करके बाहर आना है। इस वाउचर का यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए करेंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चर जब भी करना होगा तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, अल्टर के साथ F7 प्रेस कर दीजिए, देन मैन्युफैक्चरिंग जनरल का यूज़ करेंगे तो भी वही आएगा, और मैंने जो पहले बना रखा था मैन्युफैक्चरिंग जनरल उसका मैं यूज़ करूँगा तो वही चीज़ आएगी। अब आपको जो फिनिश गुड्स तैयार करना है उस प्रोडक्ट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट में असेंबल्ड पीसी हम तैयार करने वाले हैं फिनिश गुड्स, देन किस गोडाउन में हमको ये रखना है, जॉब वर्क लोकेशन इन, इस गोडाउन को आपको यूज़ करना है, इसी गोडाउन के अंदर हमको वो प्रोडक्ट रखना है। देन क्वांटिटी कितनी तैयार करनी है, 50 नॉर्म्स। आप देखेंगे सारा आइटम की लिस्ट, कंपोनेंट लिस्ट यहाँ तैयार है, और को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या स्क्रेप कितना मिल रहा है वो भी आपको अलग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है 50 नॉर्म्स असेंबल पीसी वो तैयार हो गया है, उसकी पर आइटम जो कॉस्ट है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 11,000 रुपये का एक पीसी हमको तैयार होकर मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अब हमको फिर से अपने मैन्युफैक्चरर को वो गुड्स डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में ही अब आपको यूज़ करना है कंट्रोल जे मटेरियल आउट। जब आप मटेरियल आउट करेंगे तो फिर से पार्टी XYZ यहाँ पर आपको आपका जो ऑर्डर था जॉब ऑर्डर उसकी डिटेल, उसका रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद फिर से डेस्टिनेशन गोडाउन अभी कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। आप देख रहे होंगे जॉब वर्क लोकेशन में हमारे पास 50 नॉर्म्स रखा हुआ है, इसे अभी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, देन एंटर करके सारी डिटेल को यहाँ पर सेव कर देना है। टेली आपसे पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट आपका असेंबल पीसी है आइटम, क्या वो स्क्रेप की तरह कंसीडर करना है, तो आपको इसको नो रखना है और एंटर करते हुए बाहर आना है। सेकेंड जो आइटम है स्क्रू, वो हमने स्क्रेप माना है यहाँ पर, इसलिए इसको कंसीडर एज स्क्रेप यस करते हुए इसे भी आपको सेव करना है। ये गुड्स हमने अपने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दिए हैं, मटेरियल आउट कर दिया है। अब सारा काम होने के बाद हमें एक इनवॉइस जनरेट करनी है। इनवॉइस जनरेट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में F8 सेल्स वाउचर का आपको यूज़ करना है। आपका जो पार्टी है XYZ लिमिटेड वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, और जॉब वर्क जिसका लेजर मैंने बना रखा था पहले से, जॉब वर्क चार्जेस यहाँ आपको उसका यूज़ करना है। जैसे मैं 50,000 जॉब वर्क चार्ज करना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरर पर, तो मैंने यहाँ 50,000 लिखा है। सेल्स टैक्सेबल लोकल ही हमारा मैन्युफैक्चरर है, इसलिए इस पे CGST और SGST हमको चार्ज करना है। दोनों चार्ज करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से आप वर्क ऑर्डर जॉब के लिए लेंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चरर से हमें रिसीव होगा गुड्स रॉ मटेरियल, उसको हम कैसे रिसीव करेंगे, ठीक इसी तरह से रिसीव होने के बाद उन गुड्स को हम किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे, और देन मैन्युफैक्चर करने के बाद फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चरर को फिर से कैसे डिलीवर करेंगे, और हमारी सेल्स इनवॉइस हम किस तरह से जनरेट करेंगे। आप अपने जॉब वर्क से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स को देखने के लिए डिस्प्ले में जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स में जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जॉब वर्क रजिस्टर्स, स्टॉक, जॉब वर्क एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।